कीर्तन अपने स्थान पर बैठे रहें, कोई भी खड़े ना हो, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से पूज्य देवी जी का स्वागत करते हुए, वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए आइए। दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार जयकारा बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की। कथा के षष्ठ दिवस में पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्तजनों का, माता और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। सम्मान वंदन अभिनंदन के साथ कथा के जो मुख्य आयोजक हैं, यजमान परिवार, श्रीमती सविता सिंह सोरोत जी, श्री राजन सिंह सोरोत साहब से निवेदन, कृपया मंच पर पधारेंगे, आरती में सम्मिलित होंगे। श्री चौधरी श्री दलवीर सिंह जी से निवेदन है, मंच पर पधार कर पोथी पूजन अर्चन करते हुए, आरती में सम्मिलित होते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें। निश्चय ही हमारे जीवन के जो पल, जो क्षण, जो दिवस वृंदावन की पवित्र धरती पर इतनी पवित्र पावन श्रीमद् भागवत कथा के दर्शन और श्रवण करने का जो परम सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है, बांके बिहारी के चरणों में नमन करते हुए बड़ी ही रसमय आनंदमय कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। संजोग बना सोरोत परिवार, जो कि लगातार ऐसे पावन आयोजन कराने में या जब भी कोई सामाजिक कार्यों की, सामाजिक सेवा की बात आती है तो हमेशा तत्पर रहने वाला सोरोत परिवार, श्रीमती सविता सिंह जी, सम्मानीय राजन सिंह जी, जिनके ऐसे पावन प्रयास के माध्यम से हम सभी जहां एक तरफ इतनी अमृतमय पावन कथा का दर्शन श्रवण कर पा रहे हैं, वहीं जैसा कि आप सभी जानते हैं और इन पावन क्षणों में गौ सेवा करने का भी जो परम सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है, बीमार
असहाय लाचार वृद्ध जो गौ माताएं ब्रज वृंदावन की धरती पर, ब्रज वृंदावन की कई ऐसी अनेकों गौशालाओं में विश्राम करती हैं, उनकी चिकित्सा सेवा में समर्पित गौ सेवा धाम अस्पताल, जिसके सेवार्थ ये पावन कथा आप सभी तक, और साथ ही साथ जो आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से न केवल भारतवर्ष अपितु संपूर्ण विश्व से, देश विदेशों की धरती से, वो सभी गौ भक्त जो इस पावन कथा से जुड़े हैं, आप सभी का वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट यजमान परिवार की ओर से, सोरोत परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे बीच सम्मान्य अनिल भरद्वाज जी, जो कि केसीएम स्कूल के एमडी साहब हैं, जो कि पूज्य देवी जी की स्कूल है जिसमें पूज्य देवी जी ने शिक्षा ग्रहण की है। मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारेंगे और आरती में सम्मिलित होंगे। आइए हम सभी आरती के दर्शन करेंगे, सभी बैठे बैठे ही आरती का आनंद लेंगे और दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थकं रक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च व्राणश्च मुखम् अग्नि राजायता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही ध्यान जग के मंगल के आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भाग
पुष्पादि बंधनम आरोग्यार्थे आत्मादि बंधन मंत्र पुष्पांजलि ओम देवो शांतिरंगरचको शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोखदय शांति पंचपदय शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि हरि ओम जतने जनवयजंद देवास्तानि धर्माणि वृतमान्या सन्नः ते हनाकं महिमानः सजन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदंडाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम गड़यंबिकायै च विद्महे कर्म सिद्धि च धीमहि तन्ना गौरिः प्रचोदयात् हरि ओम गहुसुरभ्यै च विद्महे सर्वशक्तिः च धीमहि तन्ना कामधेनुः प्रचोदयात् हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परम हंसाय धीमहि तन्ना शुकः प्रचोदयात् मल्ले भवन मौलिगले दले च मालां विशालां तुलसीदले न सपुष्कराणां सुमनोहराणां मनोहराणां उपसर्पयामि नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्रीमद् भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः बोलिए भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की राधा रानी सरकार की सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आरती के बाद मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि कृपया शांति से विराजें। आरती के लिए जो मंच पे आए हुए यजमान परिवार से भी निवेदन, अपना यथा स्थान ग्रहण करें। एक बार पुनः मैं वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से यजमान परिवार यानी कि सोरोत परिवार, सम्मानीय श्रीमती सविता सिंह जी सोरोत, राजन जी सोरोत परिवार की ओर से आप सभी का, जो भी ब्रज वृंदावन की धरती पर इस पवित्र प्रांगण में विराज कर इतनी अमृत में पावन कथा का रस स्वादन कर रहे हैं, या उन सभी का भी जो आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से अपने नाव अपने प्रदेशों में अपने शहरों में बैठे हुए और इस सेवा की गंगा से जुड़ रहे हैं, इस ज्ञान की गंगा से जुड़ रहे हैं, आप सभी का मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ। और षष्ठ दिवस की पावन कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे, उसके पहले कुछ पावन से जो नाम जिन्होंने अपनी पावन सद्भावनाओं को अपनी पावन सेवाओं को गौ सेवा धाम में भर्ती बीमार असहाय लाचार ऐसी कई वृद्ध गौवंश जिन्हें कई प्रकार की बीमारियां या कई प्रकार के जो घटनाओं की वजह से जब उनके शरीर पर जो जख्म होते हैं उनकी चिकित्सा सेवा जो गौ सेवा धाम के माध्यम से पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में संचालित है, जिन भक्तों ने अपनी पावन सेवाएं गौ माता की दवाई के लिए, उनके आहार के लिए या गौ सेवा धाम के निर्माण के लिए समर्पित किए, जल्दी से हम सभी उनके पावन नाम श्रवण करें। सम्मानीय श्रीमती सावित्री देवी जी गोपाल जी मोर जो कि हिली से पधारे हैं, बड़ी दूर से आए हैं, और आप श्री के साथ साथ सम्मानीय पप्पू भैया, रेणु देवी जी, ओम प्रकाश भैया, आप सभी परिवार जिन्होंने अभी कुछ ही महीने पहले दिसंबर में हीली की पवित्र धरा पर बड़े ही भक्ति भाव के साथ श्रद्धा के साथ एक बड़ा ही भव्य आयोजन श्रीमद् भागवत कथा का हीली की धरा पर किया था और बहुत आनंद आया था। मैं बाके बिहारी से प्रार्थना करूंगा कि बहुत जल्द वो पावन दिवस पुनः आए, बड़ा ही आनंदमय कार्यक्रम कथा के साथ साथ
मैं पूरे परिवार को आमंत्रित करता हूं मंच पर, जिन्होंने 31,000 रुपए की राशि बीमार गौवंश के लिए दवाई के लिए समर्पित की। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें। 31,000 रुपए की राशि सम्मानीय मोर परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मानसी जी हैं जो कि सिपरी से पधारे हैं और आप श्री दवाई सहयोग कर रहे हैं, मंच पर आएंगे और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। राधे राधे के नाम से रुद्रावन से एक दवाई सहयोग समर्पित किया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानी राधा रानी जी फरीदाबाद से 5,100 रुपए की राशि बीमार गौवंश के आहार के लिए समर्पित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय धर्मशिला जी रानी फरीदाबाद से 5,100 रुपए। पुष्पा रानी जी गुप्तदान के रूप में भरतपुर से दवाई सहयोग समर्पित किया गया है। बलदेव सिंह जी पालम दिल्ली से 5,100 रुपए। साथ ही साथ सम्मानीय मान सिंह जी हैं जो कि होडल से हैं और आप श्री दवाई सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो सभी भक्त गौ भक्त हैं जो ब्रज वृंदावन की धरती पर विराजकर पंडाल में विराजकर कथा का दर्शन श्रवण कर रहे हैं, बहुत बहुत अभिवादन करना चाहेंगे आप सभी का। चंद्रकांता जी हरिद्वार से पधारे हैं और एक ट्रॉली गोग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। गुप्तदान के रूप में हासर वासे ये दिल्ली से एक ट्रॉली चारा का सहयोग करते हुए आप श्री ने गुप्त दान के रूप में ये 11,000 रुपए की राशि समर्पित की है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्तदान के रूप में राधापुरम से एक और चारा सहयोग समर्पित करते हुए एक ट्रॉली गौग्रास के लिए 11,000 रुपए की राशि समर्पित की है, बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी भक्तों का जो कि ब्रज वृंदावन की धरा पर पधार कर जहाँ एक तरफ कथा का दर्शन श्रवण तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ गौ सेवा करने का भी वो परम पुण्य फल प्राप्त कर रहे हैं। पूज्य देवी जी की आगामी कथाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद कुछ और पावन से नाम। 3 जून से 9 जून आप सभी भी ध्यान से सुने और साथ ही साथ जो आस्था के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं मैं उनसे निवेदन करूँगा, 3 जून से 9 जून अहमदनगर जो कि संजोग ग्राउंड में नगर मनवाड़ रोड अहमदनगर में हम सभी पूज्य देवी जी के मुखारविंद से कथा का दर्शन श्रवण करेंगे। जो भी अहमदनगर के भक्तजन श्रवण कर रहे हों या आसपास के क्षेत्र के या आप सभी जन इस कथा में आमंत्रित हैं, पधारें और कथा का दर्शन श्रवण करें। 13 जून से 19 जून बांसवाड़ा राजस्थान, ये बांसवाड़ा से जो पावन कथा आयोजित की जाएगी ये संपूर्ण कथा आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण के माध्यम से संपूर्ण विश्व तक पहुंचाई जाएगी। आस्था टेलीविजन पर आप इस कथा का दर्शन श्रवण कर सकते हैं। 13 जून से 19 जून दोपहर 3 बजे से 6 बजे। साथ ही साथ आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से जुड़ते हुए जिन भक्तों ने अपनी पावन सेवाएं समर्पित की हैं उनके कुछ पावन नाम। संगीता जी शर्मा जो कि यमुना बिहार दिल्ली से हैं, गौचारे के लिए एवं भंडार के लिए 9,000 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय सोनू खरोलिया जी जो कि जलंधर पंजाब से हैं, आप श्री देवी जी के से आशीर्वाद चाहते हैं पारिवारिक सुख शांति के लिए और गौ माता के लिए उनके आहार के लिए एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक कुमार जी हैं श्रीवास्तव जी जो कि लखनऊ से 6,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। युगराज जी हैं बुराना साहब जो कि अपनी गुरु जी की प्रेरणा से, गुरु श्री माधव शरण जी की प्रेरणा से अपने पिताजी की गोपाराम जी की पुण्य स्मृति में चेन्नई से 5,001 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। बिमला शर्मा जी दिल्ली से 5,000 रुपए। सम्मानीय राम किशोरी जी दिल्ली से 5,100 रुपए। अशोक कुमार जी जबलपुर से 5,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। सम्मानीय अशोक कुमार जी जबलपुर मध्य प्रदेश से ट्रस्ट की सदस्यता ग्रहण करते हुए 21,000 रुपए की राशि समर्पित करते हुए ट्रस्ट के मेंबर बन रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां सम्मानीय अशोक जी के लिए। सम्मानीय शोभना बहन जी राजकोट गुजरात से 5,100 रुपए। केशवलाल जी पटेल साहब गुजरात से 21,000 रुपए की राशि। राकेश चौधरी जी कलकत्ता से 5,100 रुपए।
अंजलि जी गुप्ता एवं ममता जी छत्तीसगढ़ से 5,500 रुपए, सम्मानी मुकेश जी हैं गुजरात से 5,100 रुपए, गुप्तदान के रूप में दिल्ली से एक ट्रॉली गोग्रास यानी कि 11,000, अशोक जी हैं दिल्ली से एक ट्रॉली गोग्रास सेवा 11,000 रुपए और सुनील जी पंजाब से एक ट्रॉली गोग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का, सभी गौ भक्तों का, सभी दानदाताओं का, साथ ही साथ यजमान परिवार सोरोद परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इस पावन आयोजन से जुड़ने के लिए और ऐसे पावन आयोजन में, ऐसे पावन सेवा कार्यों में, ऐसे पावन सेवा प्रकल्पों में अपनी सहभागिता निभाने के लिए। आस्था टेलीविजन के माध्यम से जो भी भक्तजन इस पावन कथा का रस आस्वादन कर रहे हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार आपके अपने गौ सेवा धाम के सेवा मोबाइल नंबर दिखाए जा रहे हैं, उन पर संपर्क करते हुए अपने परिवार के जन्मदिन या शादी की सालगिरह जैसे पावन प्रसंगों को गौ सेवा करते हुए मनाते हुए और भी दिव्यता और भव्यता प्रदान कीजिए। गौ सेवा जरूर कीजिए। जो भी पावन नाम हम तक पहुंचेंगे उन सभी नामों की घोषणा कथा के विश्राम के पहले इस धर्म मंच से आस्था टेलीविजन के माध्यम से संपूर्ण विश्व तक पहुंचाएंगे। आइए पूज्य देवी जी के पावन कमल चरणों में श्रद्धामय नमन करें और कथा के लिए निवेदन करें। सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णा जय गौ माता। Krishna चक्षुरुन्मीलितं येन
चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद्भागवत कथा के षष्ठ दिवस में प्रवेश करें। मंचासीन परम श्रद्धे श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज कथा के छठवें दिन में आप हम सब भाव श्रद्धा के साथ प्रवेश करें। वृंदावन में बसत ही और कछु ना होए, रज तो उड़ मस्तक लगे पीवे यमुना तोए। वृंदावन में बसत ही और कछु नहीं होए, यानी वृंदावन में बस के तुमसे भले कुछ ना हो, भले बहुत भक्ति ना हो, भले बहुत माला ना हो, भले बहुत नाम ना जपा जाए, पर रज तो उड़ी मस्तक लगे पीवे जमुना तोए। वृंदावन में भजन करो तो उसका प्रताप तो अलग है ही है, पर वृंदावन में पड़े भी रहो तो वृंदावन में पड़े पड़े एक रात्रि वृंदावन में निवास करने से पूरा भागवत पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। एक रात्रि श्रीधाम वृंदावन में निवास करने से किसी ने पूछा, भैया आपकी ठाकुर जी से मुलाकात क्यों नहीं हो रही है? बोले, मुलाकात का वादा तो हुआ था कि कल मिलेंगे। कोई प्रेमी प्रीतम का वादा हुआ कि कल मिलेंगे, मुलाकात का वादा तो हुआ, पर कहां मिलेंगे ये निश्चय नहीं किया गया। अब वो कहीं ढूंढ रहा है, वो कहीं ढूंढ रहा है। हमारा भी प्रभु से वादा तो हो गया मिलेंगे, पर मुलाकात का वादा हुआ, स्थान निश्चित नहीं हुआ, पर अब वो स्थान मिल गया। क्या? बोले, श्रीधाम वृंदावन में आकर के मिलेंगे। यहां आप भी आ गए और वो तो विराजमान है ही है सदा सर्वदा। वादा भी हुआ और स्थान निश्चित भी हो गया, तो अब तो मिलना आवश्यक है, अब तो मिलना ही पड़ेगा। बस ये ध्यान रखिए कि इस श्रीधाम वृंदावन की कथा को श्रवण पान करने का आपका हेतु कोई संसारिक नहीं होना चाहिए। आप ये ना कह दे कि भगवान हमने 7 दिन आपकी कथा सुनी, हम 7 दिन वृंदावन रहे, अब हमारा ये काम कर दो। तो ठाकुर जी कर तो देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, पर करके वहां से पल्ला झाड़ करके भाग जाएंगे। लेकिन भगवान ने कहा है कि जो मुझसे धन मांगे धन दे देता हूं, जो तन मांगे तन दे देता हूँ, जो परिवार मांगे परिवार दे देता हूँ, पर जो कुछ भी ना मांगे उसको मैं अपने आप को दे देता हूँ। अब चुन लीजिए, आपके पास चॉइस है, आपके पास दो रास्ते, किसको चुनना है?
मैंने पहले ही दिन कहा था, जो यहाँ लस्सी पीने आ रहा है वो लस्सी लेके जा रहा है, जो पेड़ा खाने आ रहा है वो पेड़ा लेके जा रहा है, जो मौज मस्ती करने आ रहा है वो मौज मस्ती करके जा रहा है, पर जो यहाँ सच्चे दिल से श्री बिहारी जी को पाने के लिए आ रहा है वो सचमुच बिहारी जी को अपने हृदय में रख कर के ले जा रहा है। चुनाव आपका, आज ज्यादा भूमिका पर ध्यान ना देते हुए हम महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगे, क्योंकि आज का जो स्थान है, आज की जो लीला है वो बड़ी ही गूढ़ है, गंभीर है। श्री ठाकुर जी ने गिरिराज उठाया, आप सबने कल गिरिराज जी की कथा को श्रवण पान किया, और गिरिराज जी की कथा के साथ साथ आपने साक्षात गिरिराज इंद्र देवता के प्रकोप का भी दर्शन किया। ऐसा दूसरी बार हुआ, ऐसा पहली बार कब हुआ था, जब हमारे गुरुदेव यहाँ विराजमान है, जब मेरी आयु 7 वर्ष की थी तो प्रथम कथा गुरुदेव ने ही कराई थी, और श्रीधाम वृंदावन के पास जो चीर घाट है उस चीर घाट से थोड़ा आगे तपोवन है जहाँ माँ कात्यानी ने 60,000 वर्ष तक तप किया, उस स्थान पर कथा हुई, प्रथम कथा थी। वही 5वां दिन था, गिरिराज जी की कथा थी। अब उस समय तो इतना इंतजाम नहीं था कि बड़े बड़े टेंट लगे, एक कोई साधारण सा टेंट लगता था, सब तखतिया व्यास होते थे, तो बड़ी जोर से तूफान आया तो सब अंजर पंजर खुल गया। अब श्रोता आ चुके थे, कथा इतना कोई व्यवस्था थी नहीं, हो ही नहीं सकती थी, तो क्या करें, उस समय मेरी आयु भी बहुत कम थी, तो क्या किया, सब लोगों ने जो प्लास्टिक का एक जो बिछाने का होता है उसको पकड़ा और सब लोग चारों तरफ उसको लेकर के खड़े हो गए, और ऐसे मत मानिएगा कि मैं अपने आप को वो रूप मान रही, उस समय तो मुझे मालूम भी नहीं था, पर श्रोताओं ने क्या किया, किसी मैया ने गोदी में उठाया और मेरा हाथ उस प्लास्टिक का जो होता उससे लगवा दिया, बोले कथा हुई नहीं चलो दर्शन ही कर लो। यद्यपि दासानुदास ठाकुर जी के भक्त भी नहीं, भक्त बनने का प्रयास कर रहे, पर प्रथम कथा में वो भाग हुआ था, और आज फिर श्रीधाम वृंदावन की धरा पर कल वही दृश्य हुआ तो याद आ गई। श्री गिरिराज जी, गिरिराज को किसने उठाया, गिरिराज जी को किसने उठाया? देखो ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा तो बोलना चाहिए। कल हमारे एक महर्षि आए थे ना, बोले तुम लोग बड़े सीधे हो। देखो भैया हम राधा रानी के भक्त हैं, जब हमारी राधा रानी सीधी है तो हम भी सीधे ही होंगे। हमारी किशोरी जू प्रिया जू बड़ी मधुर है, बड़ी सीधी है, तो भक्त भी वैसे ही होंगे। खैर, तो गिरिराज किन्होंने उठाया, तो दो बात हो गई, एक लोग कह रहे कृष्ण भगवान ने, अच्छा कृष्ण भगवान ने उठाया, कितने लोग मानते, सभी मानते, थोड़ा डर रहे हाथ उठाने, भगवान कृष्ण ने उठाया, बात सच है, पर वास्तविकता में गिरिराज भगवान कृष्ण ने नहीं उठाया, तो किसने उठाया, बरसाने वारी कहे, झुंड खड़ा हुआ है गोपियों का, ग्वालाओं का, तो एक ग्वाला ने पूछी भैया यू गिरिराज कौन ने उठायो, तो एक ग्वाला बोलो हमने उठायो, क्यों, यू कहे पूछ रीवारो लठिया को दियो सहारो, छिरीवारो लठिया को दियो सहारो, यू कहे पूछ रीवारो लठिया को दियो सहारो, यू कहे पूछ रीवारो लठिया को दियो सहारो, अरे गिरवर में बोझ अप
मेरो वारो। हो गया मैया बैठ जाओ। यू कहे पूछरी वारो लठिया को, बाल बाल कह रहे हमने उठायो, हमने लाठी लगाई। एक गोपी सबन को धक्का देती, वही बरसाने की कोई गुजरी आगे आ गई। पानी आके कहा गई, बरसाने वारी कहे सही बात कछु और, सबकी हो सलाह तो दहू में बंडा भोर। तुम सबन को पतो है कि गिरिराज कन्हैया ने उठायो, पर तुम सबकी रजा मंदी हो तो हम भंडा फोड़ दे, राज बता दे। ग्वाल बाल ने कही, चूनर वारी तू भी बता दे, तेरे मन में कहा है। तब ब्रज की गोपी बरसाने की कह रही है, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करो सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा ते याने गिरवर लियो उठाए। याने गिरिराज नहीं उठायो, यू तो बस हाथ लगाए ठाड़ो हो, या के पीछे अगर कोई थी तो वो श्री किशोरी जू थी, जिनकी शक्ति ने गिरिराज उठा लिया। ये जो विनोद का आनंद का झगड़ा है, ये अभी राधा कृष्ण से नहीं, ये राम सीता जी के युग से चल रहा है। राम जी ने धनुष तोड़ा तो अयोध्यापुर की स्त्रियां क्या बोली, लक्ष्मण जी को बोली। लक्ष्मण जी को कहा, अरे अरे बहुत देखे तुम्हारे जैसे, राम भगवान ने धनुष तोड़ा, कौन कहता है धनुष तोड़ सकते, हमने देखा था इनको पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ते हुए, एक पुष्प तोड़ने में तो इनके पसीने बह रहे थे, धनुष क्या खाक तोड़ेंगे। लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा चलिए धनुष नहीं तोड़ा तो अहिल्या का उद्धार करने क्या तुम गई थी, जरा पैर स्पर्श किया चरण अपना और पत्थर स्त्री बन गई, अहिल्या का उद्धार। तो फिर अयोध्या जनकपुर की मिथिलापुर की स्त्रियों ने कहा, अरे लक्ष्मण जी याद करिए, जब आप छोटे छोटे थे तो पूरे अयोध्या में नंगे पांव घूमते थे, तब तो कोई पत्थर स्त्री नहीं बना, पर जैसे ही आप जनकपुर की सीमा में आए, हमारे किशोरी जू की श्री जानकी जी की कृपा से पत्थर स्त्री बन गई। यही भाव ब्रज का। राधा कृष्ण, यद्यपि राधा कृष्ण एक आत्मा द्वि देहधारी, अन्यान्य विलासे रस आस्वादन करी, श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में लिखा है, राधा कृष्ण एक आत्मा है दो देह। देखिए 6 दिन से हम राधा रानी की खूब प्रशंसा कर रहे हैं, तो हमारे ठाकुर जी कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए थोड़ी उसी उनकी भी बड़ाई करनी पड़ेगी। ब्रज के साहित्य में एक बड़ा सुंदर भाव है, ध्यान से सुनिए। कुछ सखी श्यामा जी के समक्ष इकट्ठी हो गई और प्रार्थना करने लगी, हे श्यामा जी, आपने तो श्री श्याम सुंदर को देखा है, आप तो उनके एक एक अंग से परिचित हैं, हम तो उनको देख नहीं पाती, हमारी इच्छा होती है पर हम उनको देख नहीं पाती, आप तो उनके सर्वांग अंग को जानती हैं, हम चाहती हैं कि आप एक एक करके श्री ठाकुर जी के संपूर्ण अंगों का एक बार वर्णन कर दो, हम सुन लें, उसी में हमें तसल्ली हो जाएगी, उसी में सुख पालेंगी। जैसे श्री श्री जी ने सुना, श्री किशोरी जी के अश्रुपात होने लगा, आंसू की धारा बहने, सखी घबरा गई, हाथ जोड़ा, अरे प्रिया जी कुछ गलती हो गई, क्या कुछ गलत पूछ लिया हमने, क्षमा कीजिए, नहीं बताना तो बिल्कुल मत बताइए। लेकिन तब श्री राधा रानी कहती, नहीं नहीं सखी, तुमने कुछ गलत नहीं पूछा, तुमने ये कहा कि प्रभु के अंगों का वर्णन करो, पर क्या बताऊं, मैं पचिहारी रही बहु तेरो, एकहु अंग न नीके हेरो, मैं अपने दुर्भाग्य का क्या वर्णन करूं, मैंने आज तक ठाकुर जी के एक अंग को देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। सखिया बोली, राधा रानी कैसी बात करती हो, आप तो दिन रात साथ रहती हो, ये तो एकदम सफेद झूठ है कि आपने प्रभु के अंगों का दर्शन नहीं किया, कारण क्या है।
तब श्री किशोरी जी ने कहा, मैं क्या करूं छन ही में भरी आवत पानी, श्याम स्वरूप कहा किमि जानी। ए सखी क्या बताऊं, जैसे श्री ठाकुर को लालजू को देखती हूँ, देखते ही मेरी आंखें डबड़बा जाती हैं, आंखें अश्रु से भर जाती हैं, कुछ दिखाई नहीं देता और बस आंखों से अश्रु की धार बहने लगती, देख नहीं पाती, कभी उनको देख नहीं पाई आज तक, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, हृदय गल के बाहर आ जाता है। मीरा जब गिरधर का नाम लेती थी तो मानो एक होड़ लग जाती थी कि मुख से गिरधर का नाम पहले आए या आंखों से अश्रु पहले। तो गोपी ने कहा, रे किशोरी जू, थोड़े हृदय को थोड़ा कठोर करो, थोड़ा मजबूत करो, ऐसे थोड़ी कि देखते ही रोने लगो। तो श्री जी ने कहा, किया मैंने, करके देखा था, पर हुआ क्या? बोले, नैन दऊ छवि अमित अगाधा, नैन दऊ छवि अमित अगाधा, तापर पलक करती हैं बाधा। राधा रानी कहती है, क्या करूं सखी, क्या बताऊं, नैन दो हैं और छवि अमित अगाधा, और उस पर भी, दो नैनों में भी। गोपी ने क्या कहा, राधा रानी ने क्या कहा, आप भागवत पढ़िए, ब्रह्मा जी को भागवत में जड़ कहा गया, जड़ माने पागल। गोपी कह रही, क्यों? बोले, ये विधाता कैसा है, इसने ये आंखों में ये पलके क्यों बनाई है, नंददास सब जड़न की यह गति, कहा कियो ये पूत कमल को। नंददास जी ने कहा, पूत कमल को माने ब्रह्मा, कमल का बेटा। नंददास जी कह रहे हैं, इस जड़ ने, इस पूत कमल ने क्या कर दिया, ये आंखों में पलके क्यों बना दी, क्यों? बोले, जैसे हम बंद करती हैं, हम श्री कृष्ण दर्शन से वंचित हो जाती। तब श्री किशोरी जो क्या कहती है, बड़ा अन्याय किया है इस ब्रह्मा ने, हाथ दो बनाए, बड़े बनाए, पैर बड़े बनाए, सब कुछ दिया और आंख दो, और वो भी पलके बना दी। तो गोपी बोली, अब क्या करोगी? तो लाडली जी बोली, अगली बार जब हमारी सरकार होगी ना, तो हमारी सरकार बनते ही हम पूरा जो संविधान है वो बदल डालेंगे, पूरा बदल डालेंगे। क्या करोगी, राधा रानी से पूछा। तब कहा, जो ब्रज दीन है जन्म हमारो, देखन कु मनमोहन प्यारो, तो कत नैन दिए सठ दो, विधि सम निठुर और नहीं को, विधि जैसा निष्ठुर और कोई नहीं हो सकता। तो गोपी ने पूछा, राधा रानी आपकी सरकार बन गई तो आप क्या करोगी? तब श्री किशोरी जी ने कहा, जो बिछना को बस करी पाऊं, तो मैं पद्धति कछु और चलाऊं, रोम 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 प्रति नयन बनावे, एक टक रहे पलक नहीं लावे, तब कछु कहो हो सखी तेरो, पूरन होए मनोरथ तेरो। राधा रानी ने कहा, जब हम बनेंगी ना सरकार, तो हम क्या करेंगी, रोम रोम में करोड़ों आंख बनाएंगी और उसमें पलक नहीं बनाएंगी, तब तेरा जो मनोरथ है सखी वो तब पूरा होगा, तब मैं ठाकुर जी को निहारूंगी और फिर तुझे बताऊंगी कि प्रभु के अंग कैसे। यह है माधुर्य रस, इसको हम जैसे कामी लोग समझ नहीं सकते, हम लोग इसको समझना बड़ा असंभव है। जहां श्री ठाकुर जी का राधा नाम लेते ही प्रभु कांपने लगते हैं, और प्रभु के, राधा रानी के सामने प्रभु का नाम लेते ही राधा रानी कंपन करने लगती हैं, ये भाव को हम जैसे अज्ञानी पुरुष क्या समझ सकते, अज्ञानी जीव क्या समझ सकते। एक दिन राधा रानी कहती ठाकुर जी से, अच्छा ठाकुर जी, हमने सुना है आप बड़ा अच्छे केश संभालते हो, बड़ी अच्छी चोटी बनाते हो, केश संभालने में ये निपुण है, इसलिए इनका नाम केशव है। तो ठाकुर जी बोले, हाँ हाँ बिल्कुल,
बिल्कुल हमसे बढ़िया तो कोई हेयर स्टाइल बना ही नहीं सकता। तो किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है, हम एक दिन परीक्षा लेके देखेंगे, आपको भी तब पता चले कितना बढ़िया बनाते हो आप हमारी चोटी, वेणु कैसे गूंजते हो, बड़े इतराते घूमते हो। अब श्री किशोरी जी बैठ गई, प्रभु पीछे बैठे, हाथ में श्री राधा रानी के दर्पण लगा है और श्री ठाकुर जी वेणु गूंज रहे हैं। वेणु गूंजते गूंजते अचानक से हाथ से सब कुछ नीचे गिर गया, हाथ में जो अंग वस्त्र जो सुगंधित इत्र लगा था वो पृथ्वी पर गिर गया, पुष्प गिर गए, कांपने लगे, थरथराने लगे। राधा रानी कहा जय जय, कहा भयो कहा कर रहे हो। तो श्री ठाकुर जी, राधा रानी कहती पहले तो बड़े नागर बनते थे, हमसे बढ़िया कोई छोटी नहीं बना सकता, अब क्या हुआ? तो प्रभु ने कहा प्यारी जू, गूथमो तो हम पे बहुत बढ़िया आवे, पर वो सामने जो दर्पण रखो है ना, वह दर्पण में तुम्हारी मुख छवि को दर्शन करके अपने आप को रोक नहीं पा रहे, हाथ पैर कांप रहे। वेणु करान निपति तेन स्खलितम शिखंडम, श्री राधा रस सुधा निकार कहते हैं कि राधा रानी को देखते ही प्रभु के हाथ से बंसी छूट जाती है, पीताम्बर छूट जाता है और मूर्छित होके धरा पर गिर जाते हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी और राधा रानी का प्रेम, इसलिए इस ब्रजधाम में हम आए हैं। यद्यपि ठाकुर ये तो हम 6 दिन से कह रहे हैं, राधा रानी भी वही है, कृष्ण भी वही है, पर ये तो पक्का है जहाँ राधा रानी होंगी कृष्ण व भक्त के पीछे पीछे हाथ जोड़ के घूमेंगे। इसीलिए ब्रज में जब आते हो आपको, आप द्वारिका जाओ, द्वारिका में जब आपको कोई मिलता है तो आपस में मिलते हाय हेलो की जगह क्या बोलते हैं? माता जी गुजरात से है हमारी, क्या बोलते हैं? जय श्री कृष्ण। सब लोग जो गुजरात वाले हो जय श्री कृष्ण बोलेंगे, पर ब्रज में आते ही जय श्री कृष्ण सब भूल जाते हैं, यहाँ क्या शुरू हो जाता है? राधे राधे शुरू हो जाता है। यहाँ का हर स्थान पर श्री राधा रानी का नाम गूंजता है। क्यों? अब हमें राधा नाम प्रयास करके लेना पड़ रहा है, पर एक समय आए जब राधा रानी का नाम हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाए, हमारे जीवन की एक आदत बन जाए जिसके बिना हम रह न पाए। एक चैतन्य महाप्रभु का एक कोई पार्षद कोई भक्त जब भी कहीं जाता था मुख से हरी बोल निकलता था, तो वो शौचालय भी जब जाता था तो भी हरी बोल बोलता था। तो कुछ ऐसे जलने वाले शिष्यों ने, चिढ़ने वाले लोगों ने जाके महाप्रभु जी को कहा ये कैसा भक्त है आपका? महाप्रभु जी ने, जानते तो सब है पर उनको दिखाने के लिए महाप्रभु जी ने उससे बुलाया और कहा भैया जब तू शौचालय जाए तो मत बोला कर, इनको अच्छा नहीं लगता। वो मान गए, फिर से गया। अब जब शौचालय की लाइन में लगता है अब हरी बोल नहीं बोलता, अब उन लोगों ने क्या देखा, लाइन में खड़ा है और जीभ को पकड़ के खड़ा है। फिर से आए बोले महाराज अब तो हद ही कर दी, अब तो शौचालय जाता है मुख हाथ में अंदर दे के रखता है, ये क्या बात हुई? महाप्रभु जी ने पूछा क्यों बेटा हाथ अंदर क्यों रखते हो? बोले महाप्रभु आपकी आज्ञा को टाल नहीं सकता कि शौचालय के समय प्रभु नाम मत लो, पर क्या करूं ऐसी आदत पड़ गई है कि ये जिह्वा रुकती ही नहीं, इसलिए जबरदस्ती हाथ पकड़ के इसको रोकना पड़ता है कि अब तो रुक जा। महाप्रभु जी ने उसको गले से लगा लिया, अरे भैया ये सब तो मूर्ख है, अज्ञानी है, कुछ नहीं मालूम, तू जहां तुझे याद आए भगवान नाम रख। इसलिए भक्त क्या कहता है, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई, राधे राधे
राधे राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे कहने मस्ताना ही कहे, कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे, कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे, कोई पागल या दीवाना नहीं कहे। ऐसी बातों को सहने की अब आदत सी हो गई है। ऐसी बातों को सहने की अब आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। श्यामा द्वारे आपने हम तेरे नाम के सहारे, श्यामा द्वारे आपने हम तेरे नाम के सहारे। राधे 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 राधे। अब चाहे डुबा दो या बना दो कोई गम भी तो नहीं, चाहे डुबा दो या बना दो
अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम भी तो नहीं। ऐसा समय आए जब प्रयास न करना पड़े और आदत बन जाए श्री राधा नाम लेने की। आइए सब महाराज की ओर प्रवेश करेंगे। इसी मध्य हमारे बीच नाथ संप्रदाय से बड़े ही स्नेह रखने वाले परम श्रद्धेय श्री निश्चलनाथ जी महाराज पधारे हैं। राजस्थान की भूमि से महाराज श्री का
व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। सभी एक बार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हुए। तो आइए महाराज की सुंदर कथा की ओर आप हम सब अग्रसर होंगे। श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाशितः। भगवान पिता रात्रि आज शरद पूर्णिमा की रात आई। इस श्लोक में श्री सुखदेव जी बता रहे हैं भगवान पिता रात्रि, यानी गोपियों के मन में महाराज की इच्छा तो है ही है, पर भगवान अपि, भगवान के भी मन में है कि मैं गोपियों के साथ उस दिव्य आनंद का विहार करूं। भगवान पिता रात्रि विक्षरन्तु मनश्चक्रे, जैसे भगवान सृष्टि का वीक्षण करते हैं वैसे आज भगवान वृंदावन का वीक्षण कर रहे हैं। रन्तुम मनश्चक्रे यानी रस को जो प्रदान करने वाले हैं, भगवान ने अपने मन का सन्निवेश किया। तो किसी ने पूछा भगवान के पास मन कहां से आया, भगवान तो अमना है। मंडूक उपनिषद में कहा गया है अप्राणो हयम्याना सुब्रह, भगवान के पास मन नहीं है, तो फिर इनके पास मन कहां से आया। योग माया मुपाश्रितः, आज भगवान ने स्पेशली महाराज के लिए योग माया से मन का निर्माण कराया। योग माया मुपाश्रितः, इस योग माया इस शब्द से ही भाव विभाविका एक ग्रंथ श्री नारायण भट्ट जी ने लिखा है, पूरा योग माया मुपाश्रितः इसी के ऊपर 60-70 व्याख्या की है केवल इसी शब्द। तो उस विचार करिए कि महाराज की लीला को हम कितना वर्णन कर पाएंगे। मेरी बात को विचार करिएगा कृपया, महाराज को केवल कोई नाचने गाने का अर्थ मत समझिएगा, महाराज को केवल मस्ती का विषय मत समझिएगा। और मैं तो पूरे भागवत को ही कहूं, भागवत अवश्य आनंद के लिए है पर भागवत मनोरंजन के लिए नहीं है। भागवत मनोरंजन नहीं है, भागवत मनोमंथन के लिए है। भागवत से केवल इतना ही हमारा अधिकार नहीं है कि हम क्रम सुनते जाएं और उससे कुछ प्राप्त हो नहीं। मैंने बार बार कहा ये क्रम किसको नहीं पता कि नरसिंह भगवान खंबे से आएंगे, किसको नहीं पता राम ने रावण को मारा, सब जानते हैं। पर भागवत का मतलब क्या है, भागवत का अर्थ है इस कथा को सुन के जीवन में कुछ प्रेम की प्राप्ति हो जाए, कुछ बदलाव आ जाए, वो प्राप्त नहीं हुआ तो सब बेकार है। इसलिए पहले महाराज को समझिए। अब फिर अगर कोई आदमी, सुखदेव जी ने पहले ही कह दिया भगवान पिता रात्रि जो महाराज करने वाले हैं ये कौन है, भगवान है। पर फिर भी अगर तुम चाहो कि भगवान अगर मनुष्य बने हैं तो उनको मनुष्य जैसा व्यवहार करना चाहिए, तो उसका भी उपाय बताया है कि जब भगवान ने महाराज किया तो उनकी उम्र 10 वर्ष होगी। अगर 10 वर्ष का बालक किन्हीं गोपांगनाओं के साथ नृत्य करता है तो वो काम की भावना से नृत्य नहीं करता और भगवान तो कदापि नहीं करता। 10 साल के बच्चे के अंदर काम नहीं हो सकता, और पहले के 10 साल के बच्चे तो चड्डियां पहन के घूमते थे। आजकल तो फिर भी ये फोन ने, व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने थोड़े मॉडर्न बना दिए कि जन्म लेते ही उनका हाथ में आ जाता है। पहले बच्चे 10-12 साल तक तो ऐसे यहाँ रेत में यही घूमते रहते थे, खेलते कूदते। तो श्री ठाकुर जी, श्री प्रभु 10 वर्ष की उम्र में अगर मानवीय रूप से भी आप देखें तो भी ये लीला अनुकरणीय नहीं है। तो आज रास के नृत्य को हल्लीशक नृत्य भी कहा गया है, एक रास का लास्य भी नाम दिया गया है।
इस लीला में कोई जड़ शरीर नहीं था, ना प्राकृतिक कोई अंग संग था, इसलिए ये दिव्य महाराज की कथा आज श्री ठाकुर जी ने गोपियों को बुलाने के लिए अपनी वेणु का नाद किया है। श्री ठाकुर जी ने आज वंशी बजाई। श्री वृंदावन के किसी कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर के, कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर के श्री प्रभु ने वेणु का आज नाद किया, और उस वेणु का जैसे नाद हुआ और गोपियों के कान में वो श्री ठाकुर जी वेणु की आवाज पहुंची, उस वेणु की नाद गोपी के कान में गई, तो सारी गोपी सब कुछ छोड़ करके श्री कृष्ण के पास दौड़ गई। आज गोपियां सब कुछ भूल गई, घर तजो वर तजो नागर नगर तजो, वंशीवट तट सो काहु पे न लजो, गेह तजो देह तजो नेह कहा कैसे तजो। गोपी ने सब छोड़ दिया, उसी क्षण उसी समय सब वादों को भूल गई, सब चीजों को गोपी भूल गई, और श्री कृष्ण के समक्ष गोपी इकट्ठा हो गई, प्रभु के सामने इकट्ठा हो गई। बावरो भयो है लोक, बावरी कहत मोहे, बावरी कहो तो कहो काहू पे न लजहे, कन्हैया सुनैया तजो तात मात भैया तजो, सब तजो दैया पर कन्हैया ना ही तजहु, सब छोड़ दिया। और श्री कृष्ण के पास सब गोपी इकट्ठी हुई। आप खुद विचार कीजिए, अगर आज यहां पर मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए सोचे, थोड़े समय के लिए आप यहां बैठे हो, ये तो हमारे दादा बंसी बजा रहे हैं, इन्हीं की बंसी में इतनी मिठास है, तो अगर ठाकुर जी यहाँ आकर के वेणु का एक स्वर छेड़ दे तो क्या हालत होगी। ये ठाकुर जी की वो वंशी है जिसको सुन के मनुष्य छोड़िए, गाय चारा खाना भूल जाती थी, चारा खा रही हो और वंशी सुन गई, ना तो उसको बाहर उगल पाती है ना निगल पाती है, जड़ बन जाती है। कोई गोपी, कोई गैया रंभा रही है, कोई अपने खिरक से भाग गई श्री कृष्ण मिलन के लिए, कोई गैया भागी है, कोई गोपी भागी है, कोई गोप वधू भागी है, वहां उम्र की कोई सीमा नहीं थी, उम्र की कोई सीमा नहीं थी, सब ब्रज की गोपी इकट्ठी हो गई। वंशी के स्वरों जैसा मेरा मन हो गया, मोर पंख जैसा मेरा तन हो गया, मेरे मोहन तुम्हें याद किया जब से, रोम रोम मेरा वृंदावन हो गया। इकट्ठी हो करके श्री कृष्ण के पास पहुंच गई भगवान से जाकर के। ये सब गोपी क्या है, ये कांत भाव को मानने वाली, कांत भाव मतलब प्रियसी भाव को मानने वाली है, और प्रियसी भाव का मतलब है, अगर साधारण आज की भाषा में समझाओ, देखो हमारे ठाकुर जी गणित में थोड़े कमजोर हैं, ये ठाकुर जी नहीं कह रहे ऐसा मत सोचना, पर ठाकुर जी हिसाब किताब में थोड़ा कमजोर है, इनको एक ही हिसाब आता है, या तो पूरा दे दो या पूरा ले लो, आधे अधूरे में, एक दो में, चार पांच में इनका काम चलता है, इनका एक ही हिसाब है, पूरा दो और पूरा लो। यहाँ जन्म जन्म भी कम पड़ सकते हैं और यहाँ एक घड़ी में भी भगवान मिल सकते हैं। गोपियों का प्रेम स्वप्न जागृत हर अवस्था में गोपियों के मुख से केवल एक ही शब्द निकलता था, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, मेरे तो
गिरधर गोपाल ये कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर दूसरों ना कोई ये कहने वाली केवल और केवल मीरा हो सकती। इस कांत भाव को रखने वाली केवल मीरा एक गोपी का भाव, एक प्रियसी का भाव हो सकता। किसी ने कहा, किसी से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है, किसी से आपको बात करना हो तो फोन की जरूरत होती है, पर ठाकुर जी से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन पर बात करने पर आपको बिल देना पड़ता है, पर कन्हैया से बात करने पर आपको दिल देना पड़ता है। कोई खर्चा नहीं लगता, कोई रुपया पैसा नहीं लगता, बस दिल दे दो, प्रेम दे दो। और प्रेम भीड़ का विषय नहीं, प्रेम भीड़ का विषय नहीं है। नियम वहां होते हैं जहां भीड़ बहुत अधिक होती है, पर प्रेम में नियम और भीड़ नहीं होती। इसलिए मैंने हमेशा कहा है, आवश्यक नहीं कि कथा में कितने लोग आए, क्वांटिटी कितनी थी, बट क्वालिटी कितनी थी वो बात महत्व की। आप सबका श्री ठाकुर जी के प्रति भाव कितना था, ये बात महत्व की। प्रेम भीड़ का विषय नहीं। तो पहुंच गई गोपी, ठाकुर जी ने कहा स्वागतम वो महाभाग, गोपियों आइए पधारिए, आइए आइए, तुम्हारा स्वागत है, पधारिए। कैसे पधारी हो प्रियम, किम कुरवानी वा, इतनी रात को यहाँ पर क्यों आई हो? इतनी रात, भैया आपसे प्रार्थना है, आप अपना स्थान ग्रहण कर ले और बैठ करके आप सब कथा का श्रवण पान कर। श्री ठाकुर जी कहते हैं, गोपी यहाँ क्यों आई हो? इतने दिन, इतने रात्रि को यहाँ आई, आधी रात को तुम यहाँ आई, किस लिए आई? गोपी को बड़ा दुख हुआ। ठाकुर जी कहते हैं, प्रतियाद ब्रजम, चली जाओ वापस, बदनामी हो जाएगी तुम्हारी, लोग क्या कहेंगे, आधी रात को घर से चली गई, लोगों को तो बातें चाहिए कुछ कहने के, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, लौट जाओ। लेकिन गोपी कहती है, आज सारे शास्त्रों से वचनों को बोल बोल करके पहले तो गोपी से सब कुछ छुड़वाया, और जब छोड़ के आ गई तो अब पूछ रहे हो क्यों आई हो? मानो गोपी को ठाकुर जी ने मुजरिम बना दिया, कटघरे में लाके खड़ा कर दिया कि गलती मेरी नहीं है, गलती तुम्हारी है, तुम क्यों आई रात को? गोपी के हृदय को बड़ा आघात हुआ, किंतु फिर भगवान से बड़ी सुंदर प्रार्थना गोपी ने की है, हे ठाकुर, दुनिया का साथ देना ये साधारण धर्म है, पर भगवान के लिए दुनिया को छोड़ देना ये परम धर्म है। हम उस परम धर्म का पालन कर रहे हैं। प्रभु प्रसन्न हुए, गोपियों के साथ विहार करने लगे, लेकिन तब गोपियों के मन में अभिमान आता है, दृष्टि भगवान पर थी, पर अब भगवान से हटके दृष्टि कहाँ चली गई? अपने ऊपर। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, देखो मैं कितनी महान हूँ, भगवान मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, मैंने कितना तप किया होगा, कितना भजन किया होगा जो प्रभु मेरे आगे। लेकिन तब भगवान ने प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयते, उसी समय श्री ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, पर गए नहीं, तत्रैव वहीं छुप गए। ये गुण भी हर किसी में नहीं होता कि वहां होते हुए भी वहां नहीं है। हाँ, किसी किसी में श्रोता में कभी कभी मिल जाता, होते यहां है पर यहां होते हुए भी उनका ध्यान बस वहां है, 3 घंटे हम दिख रहे हैं या नहीं, बस दिखेंगे तो एकदम सही हो जाएंगे, दिखेंगे तो हाथ हिला देंगे। अरे भैया, मैं प्रार्थना करूं, आप यहाँ टीवी में दिखने के लिए नहीं आए, आप 7 दिन की कथा इसलिए सुन रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको भगवान की प्राप्ति हो।
आके कहते हैं भैया हमारा फोटो दिखा देना है यहाँ पर, तो ठाकुर जी भी है वहां पर, छुप गए। कहाँ छुपे? बोले वही काई गोपी की चुन्नी उठाई और वही गोपी की चुन्नी ओढ़ करके उन्हीं गोपियों के बीच में छुप गए। कोई गोपी अब कोई जाएगा कोई भागेगा तो सब बाहर ढूंढेंगे, पर गलती क्या है कि बाहर तो ढूंढा पर अपने बीच में नहीं ढूंढा। सब गोपांगनाएं प्रभु को पुकारती हुई, प्रभु को याद करती हुई एक गीत का गायन करती है, नाम है गोपी गीत। भागवत में 12 स्कंद हैं जो प्रभु के अंग हैं, उसमें 10वां स्कंद भगवान का हृदय है और गोपी गीत उस हृदय का स्पंदन है, उसका सार है। एक भाव मैंने कहीं सुना था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, 19 श्लोक गोपी ने गाए। 19 श्लोक का मतलब वेद व्यास जी की 19 रचना है, 18 पुराण है और 19वां महाभारत है। तो यानी 19 महापुराण और महाभारत, 19 का जितना भी सार है गोपियों ने इन 19 श्लोकों में लाके रख दिया। पूरे शास्त्रों का पूरे पुराणों का सार गोपी ने रख दिया। और ये ध्यान रखना कि ठाकुर जी बिना गाए किसी को नहीं मिलते। जरूरी नहीं तुम राग से गाओ। मीरा कभी कहीं गा रही थी तो किसी ने कहा मीरा को राग से गाओ, मीरा ने कहा राग से नहीं अनुराग से गाओ तो ठाकुर जी प्राप्त हो। पर गाना सबको पड़ेगा। भगवान से पूछा आप कहाँ रहते हो? ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, अहम वैकुंठे न वसामि, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो कहां? बोले जहां मेरे भक्त मेरा नाम गाते हैं वहां मैं पक्का रहता हूं, वहां मैं हर क्षण विराजमान रहता हूं। इसलिए आज सब गोपियों ने मिलके इस गीत को गाया है। इस गीत को आचार्यों ने 3 छंद में बताया है। एक कुछ महापुरुष कहते ललित छंद में है, कुछ कहते राजहंसी छंद में है और कुछ कहते कनक मंजरी छंद में है। विशेषकर आचार्यगण इस गोपी गीत को कनक मंजरी छंद में मानते हैं। क्यों? क्योंकि कनक का मतलब होता है धतूरा। धतूरा तो जानते हैं ना, ब्रजवासी तो अच्छे से जानते होंगे, धतूरा भंग। ब्रज पूरे पूरी दुनिया में आप जाओ ना तो आपको शराब के ठेके मिलते हैं, पर ब्रज ऐसा है जहां शराब की जगह भांग के ठेके मिलते हैं। कहीं भी जाओ तो भांग के ठेके मिले। तो बोले जितना नशा धतूरे में है उससे अनगिनत गुना ज्यादा नशा इन गोपियों के गोपी गीत में। कोई जीना सिखाता है, कोई मरना सिखाता है। रामायण जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है और गोपी गीत भगवान को पुकारना सिखाती है। कैसे उसको पुकारा जाए? गोपियों ने उस पुकार से भगवान को रिझाया। आइए आप हम सब भी उस गोपी गीत का पाठ करते हुए सभी भाव से मिलकर के, गोपी ने जिस भाव से प्रभु को मनाया है उसी भाव से इस वृंदावन की भूमि पर हम बैठे हैं। ये स्थान उस गोपी गीत को गाने के लिए सबसे अच्छा स्थान है, इसलिए सभी भाव से मिलकर के प्रेम से गाएं। जयति ते धिकम जन Thank you.
गोविंद, हम तुम्हारी याद में प्राण त्यागते, भूमि असुआ सो भी जाई है, अपनी आंखों के अश्रुओं से गोपी ने इस पृथ्वी को भिगो दिया, भूमि असुओं सो भिजोई है। अब गोपी कह रही है, हे दुराग्रह, संबोधन करती है गोपी, हे हटी प्रीतम, कहां जा करके छुपे हो? हे प्रभु, अगर बिछुड़ना ही था तो फिर मिलन क्यों? और प्रभु, आप तो जानते हैं, हम मर गई तो लोग हमें बदनाम नहीं, लोग आपको बदनाम करेंगे। क्यों? बोले, हम मारी गई तो यहाँ जितने भी अभी बैठे हैं माला लेकर के हरे कृष्ण जपते जपते, ये सोचेंगे जब ये गोपी का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। जा जा के अपनी माला यमुना जी में बहा देंगे, ठाकुर तुझे कोई पूछेगा नहीं, तुझे कोई मानेगा नहीं। इसलिए प्रभु पत्थरों से पूछ रही है, मेरा कृष्ण कहाँ? नंददास जी कहते हैं, को जड़ को चेतन विरही, सब भूल जाता है कि जड़ कौन है और जीव कौन है। गोपी कहती है, हे प्रभु, मरने से डर नहीं है, प्रेम में मरना बहुत आसान है पर प्रेम में जीना बहुत मुश्किल है। मरना बहुत आसान है, मृत्यु एक बार आती है और मार के चली जाती है, पर विरही हर क्षण मरता है, हर क्षण उसे अपने प्रियतम की याद आती है, हर समय वो प्राण त्याग देता है। इसलिए गोपी कहती है, हे प्रभु, चुकी जग सारा मुझे मिला ना प्रीतम प्यारा, चुकी जग सारा मुझे मिला।
कुंजन कुंजन अटकी या वृंदा वन में भटकी जयति तेधिकम जन्मना व्रजन। हे प्रभु, तुमने ब्रज में जन्म लेकर के इस ब्रज को जीत लिया, क्यों? बोले लक्ष्मी यहां सेविका बन के रहती है, दासी बन के रहती है, आपके सामने बुहार लगाती है, अपने आंचल से वो लक्ष्मी यहाँ के द्वार को, यहाँ की गलियों को साफ करती है। लक्ष्मी यहाँ आकर के सेविका बन गई और शरद उदास ही सूरत नाथ थे। किसी का परिचय पूछिए, किसी का परिचय पूछे तो कोई पूछता है ये बहुत ऊंचे पद पर है, ये बहुत ऊंची कुर्सी पर है, इनका इतना बड़ा नाम है, इतना इनका काम है, पर प्रभु का परिचय गोपी क्या देती है, ये कौन है? बोले ये प्रेम के स्वामी है, ये प्रेम बांटते हैं, ये प्रेम चारों तरफ बरसाते हैं, ये आपका परिचय है। और फिर गोपी कहती है अशुल्क दासिका, हे गोविंद, हे प्रभु, हम तो आपके बेदाम की गुलाम बन गई, बिना वेतन की नौकरी करने लगी, हम बेदाम की गुलाम बन गई। तो किसी ने, मानो वेणु ने ही गोपी से पूछा, वंशी ने गोपी से पूछा, तुझे गुलाम बनाया किसने? तो गोपी कहती है उसकी आंखों ने, नेह किम वदा, उसकी आंखों ने हमें मारा। केवल तलवार से मारना मारना नहीं है, हे प्रभु, आपने अपनी आंखों से हमें मारा, गुलाम बनाया है, अशुल्क दासिका, हम कहीं की नहीं रही, ना हम जी पाती हैं, ना मर पाती हैं, और हर समय केवल आपका ध्यान हृदय में बना रहता है। हे प्रभु, आप हम पर कृपा कीजिए। फिर गोपी कहती है प्रणत देही नाम पाप कर्षणम, वेणु पूछती है गोपी तुझे चाहिए क्या, क्या चाहिए भगवान से? तो गोपी कहती है हम चाहते हैं केवल और केवल उनके चरणों का आश्रय, केवल उनके चरणों की प्राप्ति। क्यों? बोले जब आप कालिया पर अपने चरणों को रख सकते हैं,
कालिया के अंदर विष आ गया तो आपने उसका उद्धार किया। हे प्रभु, हमारे अंदर भी मद का विष आ गया तो अगर आपके चरण हमसे स्पर्श होंगे तो इन सब अवगुणों से हम दूर हो जाएंगे। इसलिए प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम भव सागर, किसी वाहनों में बैठ के नहीं पार उतरा जाता है, भव सागर केवल कृष्ण चरण रूपी नौका में बैठ करके पार उतरा जाता है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटावन सब जग माही अंधेरो। गुरु के चरणों पर विश्वास और इष्ट चरणों पर विश्वास, यही बेड़ा पार करते। प्रणत काम गुरु, हे प्रभु गोपी को वेणु पूछती है, गोपी तुझे विरह है और विरह में तो दुनिया अपने प्राण त्यागती है और तू देख अभी भी जिंदा है, ये विरह थोड़ी हुआ, विरह में अब तक क्यों जिंदा है? तो फिर गोपी कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, हे प्रभु हम तो मरने ही वाले थे कि महात्मा लोगों ने आकर के तुम्हारी कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया, आज तक जिंदा है तो केवल तुम्हारी कथा की वजह से। भक्तों के पास और अवलंब ही क्या है, हम कलयुगी जीव, कभी श्री ठाकुर जी का साक्षात न जाने कब होगा, लेकिन भगवान का ये स्वरूप, यही साक्षात हमारे लिए भगवत स्वरूप है। भागवत और भगवान दोनों में कोई भेद नहीं है, उसकी कथा में और भगवान में कोई भेद नहीं है। इसलिए तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भिरीडितम कल्मषापहम, आपकी कथा की विशेषता क्या है? आपकी कथा अमृत से ज्यादा है। क्यों? अमृत जिंदा रखता है, पर आपकी कथा, बोले आपकी कथा मारती है विरह से। तप्त जीवनम, वो अमृत देवताओं के काम को नष्ट करता है, ये विरह के संतप्त को नष्ट करता है। कल्मषापहम श्रवण मंगलम, और प्रभु आप यज्ञ करो तप करो तो उसमें कोई ना कोई अपराध हो ही जाता है, पर आपकी कथा में कुछ नहीं करना, बस इस कथा में आके बैठ जाओ। श्रवण मंगलम, कथम मंगलम नहीं कहा, कहने से मंगल हो न हो पता नहीं, भगवान जाने, पर सुनने से अवश्य मंगल होगा, ये गोपी गीत में सबके समक्ष कह रही। श्रवण मंगलम, इस कथा को सुनने से उद्धार हो जाएगा। तुम कथा में आके बैठो और इस कथा में कानों के माध्यम से श्री ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में आके बैठे। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, हे प्रभु अब अंत में गोपी से पूछा, तुझे क्या चाहिए? यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेशु, केवल चरणों का आश्रय चाहिए। और अंत में गोपी ने कहा, इति गोप्यः प्रगायन्ते प्रलपन्तस्य चित्रधा रुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन को लेकर के गोपी श्रीधाम वृंदावन के निकुंजों में यहाँ वहाँ यत्र तत्र श्री कृष्ण को ढूंढती हुई, श्री कृष्ण को खोजती हुई इधर इधर घूमती है। माँ यमुना से पूछती है, तुलसी महारानी से पूछती है, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, आप तो प्रभु की परम प्रिय हो, आपको तो बता के गए होंगे कि कहाँ है, हमें बताइए श्री ठाकुर जी की प्राप्ति कहाँ होगी। और तब गोपी का विरह इतना बढ़ गया कि आंखों के अश्रुओं से जो गोपी का मद का जो दोष है वो धुल गया, मन एकदम स्वच्छ हो गया। अब गोपी महाराज के लिए तैयार है, इसलिए पीताम्बर धरश्रगवी साक्षान मनमत मनमत, पीताम्बर धारी श्री कृष्ण गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। और तब भगवान ने समस्त गोपियों को स्वीकार करते हुए सब गोपियों के साथ
महारास का आनंद लिया, सब गोपियों को महारास में इसी वृंदावन की भूमि पर महारास हुआ, जो महारास रुका नहीं, आज भी चलता है। प्रभु के महारास अलग अलग, शरद का महारास, वसंत का महारास, एक नित्य महारास जो आज भी श्री ठाकुर जी और सब गोपांगनाएं महारास करती हैं। तो आइए आप हम सब भी उस महारास का आनंद लें। हमारे